मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में भी वो देश के लिए आशाओं का एक बजट लेकर के आए हैं जो आज हमारे सामने चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत है। जब हम पूरे एक वर्ष के कोविड के संकट के समय का विचार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रमुख चुनौतियां इस देश के सामने रही और जिसका समाधान इस बजट को देखने में और इस सरकार की दृष्टि को देखने में आता है। जो पहली चुनौती रही वो कोविड-19 से अचानक पैदा हुए ठहराव से जीवन और जीवन यापन की चुनौती थी, और यह सरकार लॉकडाउन लागू होने के 48 घंटे के अंदर ही, जब तक लॉकडाउन चला, देश के 80 करोड़ लोगों को चाहे मुफ्त राशन पहुंचाना हो, देश में चाहे 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला की सब्सिडी और गैस पहुंचानी हो, देश के 40 करोड़ किसानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को सीधे नकद धनराशि उपलब्ध करानी हुई हो, ये सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से उसमें कामयाब रही है। और इतना ही नहीं, लॉकडाउन के इस कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत का पैकेज 1, 2 और 3 में जो रिजर्व बैंक के द्वारा उपाय किए गए, देश की कुल वित्तीय प्रभाव का 27.1 लाख करोड़ रुपया, जो हमारी जीडीपी का 13% होता है, उसको यह सरकार देने में कामयाब रही है। जो दूसरी बड़ी चुनौती रही कोविड-19 के बाद, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा। हम सब जानते हैं कि जान है तो जहान है, और ये दुनिया में आप जीडीपी को तो रिकवर वापस से कर सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी को वापस से रिकवर नहीं कर सकते। हम लोग स्वास्थ्य के संकट से न केवल उभरे हैं बल्कि नई दिशा और पहल भी करी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% बजट की बढ़ोतरी की गई, 2,38,000 करोड़ के प्रावधान किए गए। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि 1946 की भोरे कमेटी की जो स्वास्थ्य की सिफारिशें थी, उसके आधार पर आपने 50 से 60 साल तक देश को 3 स्तर के मेडिकल सुविधाओं के साथ चलाते रहे, लेकिन जो पूरा 50-60 साल तक आप स्वास्थ्य के क्षेत्र को चलाते रहे, वास्तव में तो उसमें स्थिति यह हुई कि जो 3/4 आबादी देश की रही वो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे चली गई। हम हेल्थ को नीचे तक, जहां तक लोगों को पहुंचाना था, पहुंचाने की सुविधा नहीं दे पाए। सरकार में आने के बाद आयुष्मान योजना को, नेशनल हेल्थ मिशन को आगे किया गया, लेकिन अगर इस बजट के द्वारा कोई सबसे बड़ी बात हेल्थ में की गई तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत केवल क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंटिव और रिफॉर्मेटिव जो स्टेप्स हैं, जो देश के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, उनको भी इस बजट में शामिल किया गया। रामगोपाल जी यहां कह रहे थे और जयराम जी का भी जो अभी इशारा था वो यही था कि किस प्रकार से आज तक हमने जो पब्लिक पॉलिसी में जो हेल्थ का इशू है, उसमें जो पब्लिक गुड्स है, जब मैं बात करता हूं प्रिवेंटिव की, जब मैं बात करता हूं रिफॉर्मेटिव की, तो प्रिवेंटिव का अर्थ है एक सामान्य व्यक्ति की ये ताकत नहीं होती कि वो एयर पोल्यूशन को, कचरे को, हवा को, स्वस्थ पानी को, जो कि किसी भी देश के स्वास्थ्य की पॉलिसी की बुनियाद है, उसको कोई इंडिविजुअल व्यक्ति किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है। और इसलिए बजट में जब 137% हमने स्वास्थ्य में खर्च किया है, तो केवल वो स्वास्थ्य के साथ वेलनेस भी है। इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं में, इस देश के हेल्थ और वेलनेस को मिलाकर के जो बजट को आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है, मेरे को लगता है कि बजट ने वो बुनियाद रखी है कि आने वाले समय की हमारी पब्लिक पॉलिसी में
हेल्थ में पब्लिक गुड्स को सुधारने का जो काम है उस तरफ इस सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कभी कभी हम आंकड़ों को इस प्रकार से पढ़ देते हैं एक अच्छे वकील होने के नाते कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम एक अच्छे विषय को भी इस प्रकार से आंकड़ों में घेरते हैं कि हमें लगता है कोई विषय पे प्रति भ्रम पैदा करने की कोशिश हम लोग करते हैं। कल चिदंबरम साहब बोल रहे थे, उनके एक विषय को मैं कोट करना चाहूंगा। फॉर हेल्थ इन द करंट ईयर द रिवाइज एस्टिमेट इज 82,445 करोड़ एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज ओनली 74,602 करोड़। आंकड़े देखने के को तो अगर आप देखेंगे और निश्चित रूप से अगर एक्सपेंडिचर के मेजर आइटम्स को देखेंगे तो यह दिखता है कि जो संशोधित अनुमान है, रिवाइज एस्टिमेट है, वो 82,445 करोड़ है। पर सरकार ने पिछली बार जो बजट अनुमान रखा था वो 67,484 करोड़ था। उसके बाद हम पैंडेमिक में गए और उसमें जाने के बाद जो हेल्थ पे एक्स्ट्रा खर्चा करना था वो खर्चा सरकार ने किया और अब सरकार ने वो जो 67,000 पिछली बार रखा था उसको बढ़ा करके 74,602 करोड़ किया। तो एक्चुअल में हम ये नहीं मान सकते कि ये पेंडेमिक लंबी रहेगी, लागू रहेगी। हमने आज देश में कोरोना के आने के बाद वेंटिलेटर की संख्या हो, टेस्ट की लेबोरेटरी की संख्या हो, टेस्टिंग फैसिलिटी का विषय हो, हमने सबको बढ़ाया है। अब ये जनरल कंडीशन में हम जाने लगे हैं। 35,000 करोड़ रुपया अलग से सरकार ने टीकाकरण के लिए रखा है और इसलिए आंकड़ों को इस प्रकार से पढ़ देना और ये कह देना कि सरकार ने हेल्थ एक्सपेंडिचर में पैसा कम कर दिया है, मेरे को लगता है ये एक किस्म से बौद्धिक ईमानदारी नहीं है। जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे कोरोना के कार्यकाल में रही और जिसको लेकर के बजट में सरकार एक नई नीति के साथ आई है, हम सब जानते हैं कि कोरोना में हेल्थ के प्रभाव के साथ एक जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कामगारों के लिए एक रोजगार का विषय, वह एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। और मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत के 1, 2, 3 पैकेज के आगे बढ़कर के सरकार ने बजट में 5.4 लाख करोड़ का पैकेज देकर 37% की वृद्धि करी है। देश में आशा और विश्वास का वातावरण बना है। जो चौथा संकट सबसे बड़ा सरकार के सामने था जिसका समाधान बजट में सरकार अपने दृष्टि पत्र में लेकर के आई है वो देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, एमएसएमई से जुड़े कारोबारियों को नई ताकत प्रदान करना और मजदूरों का संरक्षण करना, ये सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। हम जानते हैं कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान सरकार 4 लेबर कोड लेकर के आई। हम लोगों के देश में लगभग 20 वर्षों से एक जो मांग चल रही थी कि लेबर कोड का सरलीकरण किया जाए। बहुत सारी मजदूरों के क्षेत्र में ऐसे विषय थे, सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का विषय था, महिला पुरुषों को समान वेतन देने का विषय था, महिलाओं को समान रात्रि के कार्य में भी, रात्रि की पाली में भी काम करने का अवसर देना था, सिंगल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम करना था, लाइसेंस में सरलीकरण करना था, रिटर्न ऑनलाइन करना था। आज जो चारों लेबर कोड हम लेकर के आए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का हो और चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेस का हो, ये चारों लेबर कोड के माध्यम से कामगारों को संरक्षण देने के साथ ही साथ देश के औद्योगिक वातावरण को बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। व्यापारी के क्षेत्र में भी छोटे करदाताओं को मुकदमेबाजी से बचाने के लिए इस बजट में कर विवाद समिति का एक अच्छा प्रपोजल आया है। फेसलेस आईटीआईटी का गठन करके और उसके साथ 75 साल से ऊपर के लोगों को जो रियायत सरकार ने करों में उनको जो सुविधा दी है, किफायती आवास परियोजनाओं को इस सरकार ने बजट में जो विशेष एग्जेंशन दिया वो गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए। देश में 2022 तक हर छत को जो आवाज देने का संकल्प हमने किया है उसको पूरा करने का काम इस बजट में किया। और उसके साथ ही साथ दुनिया भर से भारत में निवेश आए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र के निवेश को सरकार ने छूट दी और कंपनी लॉ का भी क्रिमिनलाइजेशन सरकार ने इस बजट में रोकने का
रोकने के माध्यम से देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो पांचवी सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर और विनिवेश का विषय है। कई बार और कई लोग, खासकर हमारे विनय विश्वम जी, यहां पर पब्लिक सेक्टर के लिए विषय रख रहे थे, और जब वो पब्लिक सेक्टर के लिए विषय रख रहे थे तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश के पब्लिक सेक्टर के लिए, जिसको हम नेहरूवियन मॉडल भी कहते हैं, उसके संबंध में चौधरी चरण सिंह की क्या राय थी। दीपेंद्र भाई, चौधरी साहब ने 1980 में एक पुस्तक लिखी थी और वो पुस्तक थी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड केयर। और उसमें जो चौधरी साहब ने पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए कहा था वो मैं ये पढ़ना चाहता हूं। द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज एट्रीब्यूटेड टू ओवर कैपिटलाइजेशन, डिलेज इन कंप्लीटेशन ऑफ मेजर प्रोजेक्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंड अबव ऑल मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। 80 में आपको चेतावनी दी, आपने 70 साल तक ये सफेद हाथी खड़े करके रखे। और उसके साथ उन्होंने आगे जो कहा वो भी मैं पढ़ना चाहता हूं। हैड द पब्लिक अंडरटेकिंग बीन प्राइवेट कंसर्न, दे वुड हैव वन हैंड यील्डेड टैक्स ऑफ 100 करोड़ पर ईयर टू द गवर्नमेंट एंड ऑन अदर हैंड प्रॉफिट ऑफ 100 करोड़ एंड इट्स प्रोप्राइटरीज एंड शेयर होल्डर्स। ऑन द अदर हैंड पब्लिक हैज हैड टू पे एंड इज इवन नाउ पेइंग करोड़ ऑफ रुपीज टू मेकअप फॉर द लॉसेस ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन वेन ऑब्सीन्स ऑफ दिस मॉन्यूमेंट ऑफ देयर गवर्नमेंट्स फॉलिंग। मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू वंस कॉल्ड, लेट्स कीप साइलेंस इन द हाउस प्लीज। और इसलिए लंबे समय तक हम लोग पब्लिक सेक्टर के उन यूनिट्स को, जो यूनिट्स लगातार घाटे में जाती रही, जिन यूनिट्स के माध्यम से रोजगार का तो सृजन नहीं हुआ लेकिन बल्कि उसके दूसरा, उसके घाटे को सरकार बर्दाश्त करती रही। ये किसानों की बात करने वाले और किसानों के विषय को रखने वाले कभी किसान नेताओं की बातों को इन्होंने सुना नहीं। कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भारत की जड़ों से जुड़ने वाले, चाहे लोहिया जी रहे हो, चाहे चरण सिंह जी रहे हो, चाहे दीनदयाल जी रहे हो, सबकी अच्छी बातों को आपने इग्नोर करने का काम किया। आज सर्वस्पर्शी बजट को लाकर के उन सब विषयों को छूने का काम इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मैं ये सरकार को बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उस दिशा में एक अच्छा कदम उठाया। और विशेष रूप से वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट को उन्होंने सिंगल सिक्योरिटीज कोर्ट बनाने की जो बात कही है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये सरकार जब बात करती है कि हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे, तो आज निवेश के लिए इन सब को एक सरलीकृत कोड बनाना ये सबसे बड़ी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हम भी जानते हैं कि जो बैंकिंग का निवेश रहता है, कई बार मैच्योरिटी मिसमैच का प्रश्न आता है। इस सरकार ने जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में विश्वास पैदा करने के लिए स्थायी संस्थान बनाने का जो फ्रेमवर्क इस बजट में दिया है वह एक स्वागत योग्य कदम है। और इस पूरे बजट के अंतर्गत जो भारत की जो मजबूत रीढ़ है वो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है, भारत का कृषि क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र की जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधारने के लिए 6 साल में सरकार के द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना को पहुंचाने का विषय हो, चाहे हर गांव को बिजली पहुंचाने का विषय हो, चाहे हर गांव में पक्का मकान देने का विषय हो, चाहे हर गांव तक उज्ज्वला योजना पहुंचाने का विषय हो, ये सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में कामयाब रही है। और इसलिए इस बजट के अंतर्गत भी जो माइक्रो सिंचाई परियोजना है, कृषि ऋण के लिए जो 16.5 लाख करोड़ रुपया सरकार के द्वारा रखा गया है, किसानों की फसल बीमा योजना है, और पूर्व में सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि को लागू करने का काम किया है, वो इस बजट के द्वारा भी उन स्वागत योग्य विषयों को बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे डेयरी का विषय हो, मत्स्य पालन का विषय हो, पशुपालन का विषय हो, हॉर्टिकल्चर का विषय हो, सब विषयों का इस बजट के माध्यम से विशेष ध्यान रखा गया है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के में विकास के लिए आज 3 सबसे बड़ी समस्याएं किसानों के सामने हैं।
उनका उत्पादन बढ़े, उनका भंडारण बढ़े और उसका प्रसंस्करण हो। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसमें आज किसानों को हमें एक नए कानून देने की आवश्यकता है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी सुविधाओं को पहुंचाने के बाद इन तीनों विषयों को अगर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो देश और गांव की समृद्धि आ सकती है। और आज सरकार ने जो तीन कृषि बिल सरकार लेकर के आई है उसमें इन तीन विषयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में एक नए जीवन की आशा का संचार हुआ है। और इसलिए सरकार बड़े खुले मन के साथ आज किसानों के साथ बातचीत करने को भी तैयार है। सरकार के द्वारा आमंत्रण भी दिया गया है, सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ा करके भारत की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विषय को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि इस बजट के माध्यम से जो पांचों चुनौतियां कोरोना के माध्यम से हमें आई, कोविड-19 के कारण जो जीवन में ठहराव आया, जो हेल्थ सेक्टर की चुनौतियां आई, जो कारोबारियों की चुनौतियां आई,